नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ परवल की एक सब्जी। तो फिर चलिए, एक ऐसे बनता है, देखते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। आप एक बार बनाकर खाएंगे तो स्वाद नहीं भूल पाएंगे। तो यह है परवल। हम इसको आगे पीछे काट कर इसको ऐसे बीच में से काट देंगे। फिर हमें इसको थोड़ा सा नमक, हल्दी और थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर प्रेशर का यूज किया है। आप चाहें तो कढ़ाई में भी आप इसको बॉईल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। प्रेशर में एक सीटी आ गया है, हम गैस बंद कर दिया है। अब एक बैटर बनाएंगे। यह है चावल। इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। इसको हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। अब हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये है परवल। इसको हम प्रेशर से निकाल लेंगे। अब इसको अच्छे से ठंडे करने के लिए रख देंगे। इसके अंदर जो बीज है, आप चाहे तो इसको बाहर कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रख सकते हैं। और इसको इस तरह से निचोड़ देंगे। जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे इस तरह से निचोड़ कर। फिर मैंने एक तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब उस बैटर में परवल को हम इस तरह से डिप करके हम फ्राई करेंगे। इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। आप इसे एक बार बनाइए। इसे चावल के साथ खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। एक बार बनाकर देखिए कैसे लगता है, फिर मुझे कमेंट करके बताइए कैसे लगा आपको। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये जब लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तब उसे हम निकाल देंगे। इस तरह से हम सारे परवल को शैलो फ्राई कर देंगे। अब सारे परवल को मैंने फ्राई कर दिया है। अब इसको मैं एक प्लेट में साफ करूँगी। और आप लोग इसे एक बार ज़रूर बनाइए। आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइए। और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं एक अगले नए वीडियो पे। टाटा बाय बाय, नमस्कार।